हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G स्मार्टफोन के बारे में। और इसके लिए फाइनली इंडिया में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट है, वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो इस नए अपडेट के अंदर आपको फीचर्स हैं वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, कौन कौन से चेंजेस हैं वो सैमसंग की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं, और क्या आप लोगों को One UI 6.1 का जो अपडेट है वो देखने को मिला है। सो इसके बारे में भी वीडियो में आगे हम लोग बात करने वाले। आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहिए। वीडियो आपको ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आगे भी जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करें इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, तो अपडेट की टोटल साइज आपको मिलती है 248 MB। और अपडेट के अंदर आपको यहाँ पर एक ही बड़ा चेंज है वो देखने को मिलता है, और वो ये है कि अप्रैल मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच लेवल का जो अपडेट है वो सैमसंग की तरफ से ऐड किया गया है। तो हाँ, ये One UI 6.1 का अपडेट नहीं है। सैमसंग के अभी काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि पेंडिंग में चल रहे हैं, पहले उनके अंदर अपडेट आएगा और बाद में आपको S21 FE जो स्मार्टफोन है उसके लिए अपडेट देखने को मिल जाएगा। वीडियो में मैं आपको आगे बता दूंगा कि कब तक अपडेट है वो आ सकता है, लेकिन उससे पहले इस अपडेट के अंदर आपको एक चेंज तो मैंने बता दिया है। सेकंड चेंज आपके फोन की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज की जाएगी, और पुराने वाले अपडेट के अंदर आपको जो भी इश्यू या फिर बग्स है वो देखने को मिल रहे थे, उन सभी बग्स को सैमसंग की तरफ से यहाँ पर फिक्स किया गया है। लेकिन गाइस, अभी रुक जाओ, इस अपडेट को इंस्टॉल मत करना। आप लोग थोड़े दिन का यहाँ पर वेट कर सकते हो, क्योंकि सैमसंग की तरफ से अभी यहाँ पर सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन के अंदर इश्यू है वो देखने को मिल रहे हैं ग्रीन लाइन के। तो इससे आप लोगों के फोन के अंदर एक लाइन देखने को मिलती है तो डिस्प्ले वो पूरी खराब हो जाती है, चाहे आप लोग फोन को यूज करो या फिर यूज ना करो, वो लाइन है वो आपके स्मार्टफोन के अंदर परमानेंटली आपको देखने को मिलेगी। तो फोन का पूरा परफॉर्मेंस का क्या करेंगे जब डिस्प्ले ना वही यहाँ पर खराब हो जाएगी। तो आप लोग एक बार थोड़ा वेट कर सकते हो, आप लोग काफी सारे रिव्यूज है वो यहाँ पर वॉच कर लेना, अभी मत करना, 10 से 15 डेज का वेट कर सकते हो। ट्विटर पे आप लोग इस टाइप के काफी सारे आर्टिकल अभी भी देख सकते हो, जहां पर सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन के अंदर आपको ग्रीन लाइन का इश्यू है वो देखने को मिलता है आफ्टर अप्रैल का जो अपडेट है वो इंस्टॉल करने के बाद में। अब बात करते हैं One UI 6.1 का जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर कब तक देखने को मिल सकता है। तो अभी सैमसंग की S22 सीरीज, S21 सीरीज है वो यहाँ पर पेंडिंग में है, पहले आपको उनके अंदर अपडेट मिलेगा मई मंथ के अंदर, और जो S21 FE स्मार्टफोन है उसके अंदर आपको या तो मई मंथ के एंड में या फिर जून मंथ के स्टार्टिंग में अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। और मान लो सैमसंग की तरफ से अगर टेस्टिंग है वो जल्दी कंप्लीट कर ली जाती है तो आप लोगों को हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी कि कब तक अपडेट है वो रिलीज होगा। और काफी सारे यूजर के कमेंट आ रहे हैं कि गैलेक्सी AI के फीचर्स हैं वो मिलेंगे या फिर नहीं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बता दूंगा कि गैलेक्सी AI के फीचर्स हैं वो आने वाले हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। बाकी ये जो न्यूज है वो मैंने आपके साथ में पहले ही शेयर कर दी थी अपने सहेज सेन टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।